हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि बेस्ट बजट कीबोर्ड कौन सा है। और अभी हमारे पास जो ऑप्शन है, एक जो मेरे पास मैंने लिया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको रिव्यू दूंगा, थोड़ा आइडिया दूंगा एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कीबोर्ड आता है लगभग 300 रुपये का। अभी इसकी MRP है 400 रुपये और ये एक ऐसा कीबोर्ड है जो सिर्फ एवरेज नॉर्मल पर्पस के लिए सही है एंड आई वुड से इट रियली वर्क्स। मैंने लिया था बस क्योंकि मेरे कीबोर्ड में थोड़ा सा इशू था, तो मुझे ये लेना पड़ा बस। तो इट वर्क्स रियली वेल एंड देयर आर सम हॉट कीज एंड दोज ऑल वर्क्स परफेक्टली फाइन एंड दोज आर रियली हेल्पफुल। बहुत काम आती है ये सारे हॉट कीज वगैरह जो इसमें होते हैं। आपको 300 में आई डोंट थिंक यू विल गेट एनीथिंग बेटर देन दिस, बिकॉज इसमें आपको हर वो चीज़ मिल जाती है। नम पैड की बात करें तो दोज कीज आर ऑल्सो फाइन एंड इट वर्क्स रियली वेल एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस आई वुड से अगर इसमें रिसेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको ये कीबोर्ड किस हद तक हेल्प कर सकता है और कहाँ पे आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। गेमिंग के मामले में इट्स नॉट वेरी गुड। गेमिंग कीबोर्ड आपको मिलते हैं अगर आप थोड़े से पैसा वाला लगा लें तो यू विल गेट अ बेटर कीबोर्ड्स देन दिस। अदरवाइज दिस वर्क्स वेल, बट अगर आपके पास लाइक इस तरह का लैपटॉप है जिसमें i3 हो तो उसके लिए ठीक है। अगर आप अच्छा लैपटॉप ले रहे हैं तो मेक श्योर आप एक अच्छा कीबोर्ड भी ले लें साथ में एंड दैट कॉम्बिनेशन विल बी बेटर। अगर आप ये एक अपनी चॉइस में रखते हैं तो यू कैन गो हैड एंड बाय। तो एक ये वायर्ड USB है, ऑब्वियसली इसमें वायरलेस तो मिलेगा नहीं आपको 300 में। और इसमें आपको मिल जाते हैं 12 डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कीज जो काफ़ी मतलब सही है। इट्स रियली गुड एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है एंड तो ये बहुत बढ़िया से काम करता है। अब तक मुझे कोई इशू नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं मिली है और कोई ऐसे ब्लैकआउट कीज नहीं मिली कि जो कीज कोई काम ना करे। Every key is working perfectly fine. I have bought this a few days back and so far I have a very good experience. Initially आपको जो keys होती हैं वो थोड़ी tough होती हैं and tough का मतलब rough होती है, it's not very easy to press वो, और over time use करने के बाद वो सही हो जाती हैं, smooth हो जाती हैं and I think इस price range में this is the best keyboard that you can get. Of course आप Amazon पे देखेंगे number 1 best seller keyboard है और 8000 से ज़्यादा लोग इसे रिव्यू कर चुके हैं और मैं अब भी कर रहा हूँ। और इसमें जो कीज़ मिलते हैं वो एक्चुअली UV कोटेड होते हैं जिस वजह से फेडिंग आउट जो होती है ये अल्फ़ाबेट्स की वो मतलब नहीं होती ऑलमोस्ट, या फिर अनलेस आप बहुत हेवी टाइपिंग करते हैं तो उस केस में हो जाती है। और आई वुड से कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपको टाइपिंग वगैरह करना होता है टाइपिंग वगैरह तो इसमें ईजिली आप कर सकते हैं, देयर इज नो बिग डील। ऑल्दो यू कैन गो फॉर बेटर वर्जन्स अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइपिंग करना है, बहुत हार्ड कोर टाइपिंग करना है तो वो अलग चीज़ है एंड ये आपको आपका पर्पस प्रोवाइड करता है। और इसमें एक इशू ये आता है कि ये फ्लैट सरफेस पे या स्मूथ जो सरफेस होते हैं उस पर ये स्लिप करने लगता है क्योंकि इसके नीचे इन्होंने रबर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है, ये प्योर पूरा कम्प्लीट प्लास्टिक बिल्ट है, इस वजह से ये स्लिप होने लगता है। या फिर अगर हम फास्ट टाइपिंग करते हैं तो इसमें मोशन आ जाता है, वाइब्रेशन, और ये मूव करने लगता है। या तो हमें इसे किसी रबड़ या फिर कपड़े वाले सरफेस पे रखना पड़ता है जिस वजह से ये मोशन में ना आए, तो वो एक छोटी सी दिक्कत। ऑल्दो आप इसे फिक्स कर सकते हैं, नीचे आप कुछ रबड़ लगा दें या समथिंग, यू कैन पुट इसको ऐसे मोशन में ना आए। और ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, इट वर्क्स ऑन यू नो वो जो रबड़ बेस पे होता है यू नो जो लैपटॉप वगैरह में होता है जो, और इसमें स्प्रिंग वगैरह नहीं है। स्प्रिंग हैज मोर लाइफ और वो थोड़ा महंगा होता है स्प्रिंग वाले कीबोर्ड्स। इन्होंने मेंशन किया है अपने वेबसाइट पे और अपने जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है कि बहुत साइलेंट है, स्मूथ एंड साइलेंट। स्मूथ तो हो जाता है ओवर टाइम बट साइलेंट तो अगर आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो देयर विल बी लाइक सम I don't think it's like decent, जैसी कीबोर्ड में आवाज़ आती है वैसी है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मुझसे लाउड ही है, मतलब साइलेंट तो नहीं है जैसा इन्होंने कहा है। इसमें टोटल आपको 114 कीज़ मिल जाते हैं जिसमें से 12 मल्टीमीडिया कीज़ होते हैं जो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया बहुत ही हेल्पफुल हैं। और जब भी जैसे फॉर एग्जाम्पल प्ले पॉज जो भी करना है
स्लीप में डालना है, म्यूट करना है, एंड यू नो होम एंड अदर वेरियस थिंग्स दैट यू कैन डू. सो दैट इज रियली रियली हेल्पफुल. आई थिंक Zebronics has nailed it. और इसमें जो कंपनी का क्लेम लाइफ स्पैन है वो ये है 8 मिलियन कीपर्स. और इसमें जो आपको केबल मिलता है वो है 1.2 मीटर इन लेंथ, जो आई थिंक वेरी वेरी नाइस है. इट्स नॉट वेरी चीप, लाइक अगर जैसे दूर से दिखे तो इट लुक्स लाइक एक्सपेंसिव वन, क्योंकि जो महंगे वाले भी इसी डिजाइन में आते हैं. तो डिजाइन वाइज आई वुड से कि इट लुक्स एक्सपेंसिव बट इट इज नॉट. इसमें रुपीज वाला की भी आपको मिल जाता है, रुपीज का जो साइन वाला डेडिकेटेड की है. फ्रॉम द चॉइसेस की आप इसे अवॉइड करें या शॉर्टलिस्ट करें या गो एहेड एंड बाय दिस, आई वुड से अगर आपका बजट इतना है तो आई वुड से जस्ट गो एहेड एंड बाय दिस वन, बिकॉज आई थिंक इन दिस सेगमेंट दिस इज द बेस्ट that I have so far encountered. सेम प्राइस में बहुत सारे कीबोर्ड यूज किए बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट सो फार दैट आई हैव एनकाउंटर्ड. सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिनको इस कीबोर्ड की जरूरत है.